हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लाके आया हूँ। तो आज के बारे में जो वीडियो होने वाला है, तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। वीडियो फिर भी मैं बता देता हूँ। तो मेरे को ना थोड़ा गेमिंग टाइप का वीडियो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए एक यूट्यूब में एक बंदा है जिसका नाम है काइजर। क्या करता है मैं बता देती हूँ। वो क्या करता है, जो गेमिंग करते हैं ना लोग, लाइव स्ट्रीम करते हैं, उस पर वो सुपर चैट करता है और सुपर चैट के साथ एक कुछ सवाल पूछता है। तो हमारे काइजर भाई ने ऐसे ही लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। एक बंदा, मतलब बंदा नहीं, एक हमारे एक परी जैसी लड़की है, तो उनको वो सुपर चैट करके जो बोलते हैं सवाल या कमेंट, जो भी बोल सकते हो आप लोग, वो हम सुनेंगे अभी। तो काइजर भाई ने उनको सुपर चैट किया लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर, एक कमेंट और जो भी बोल सकते हो सुपर चैट के साथ किया। तो मेरे को बोलने से पहले हंसी आ रही है दोस्तों, जो आप देखने के बाद आपको भी हंसी रोक नहीं पाओगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। टीटू मामा कह रहे हैं, लोग अपना दिल हार जाते हैं जब आप शर्माते। टोनी कुकुर से ट्रेनिंग लो, बहुत मस्त गाती हो। आजकल छोड़ दिया या फिर अभी भी गुटखा खाती हो? शक्ल देखो। नहीं, अभी मैंने थोड़ा से ब्रांड चेंज करी, अब मैं विमल पे आ गई हूँ। आजकल सब विमल पे आ रहे हैं, सब खिलाड़ी हो रहे हैं। तो अब मैं जुबा केसरी करती हूँ। न्यू एंट्री देखें, कौन नया खिलाड़ी आया है? बोलो जुबा केसरी। नहीं, ऐसा नहीं हो। लोग अपना दिल हार जाते हैं जब आप शर्माती हो। वाह, क्या शायरी है। लोग अपना दिल हार जाते हैं जब आप शर्माती हो। टोनी कक्कर से ट्रेनिंग ले लो, बहुत मस्त गाती हो। आजकल छोड़ दिया या अभी भी गुटखा खाती हो? वाह वाह वाह, क्या शायरी है। बहुत ही मस्त था यार दोस्तों, मेरे को तो बहुत मज़ा आया, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारा सेकंड वीडियो में। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, चलिए सेकंड वीडियो चलते हैं, वो देखते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड वीडियो जो है, एक बोल सकते हो एक लड़का है, मतलब वो भी लाइव स्ट्रीम करते हैं कभी कभी। उसका चैनल पे सिर्फ गेमिंग का वीडियो ही डालते हैं। उसका चैनल पे अभी 4 या 5 मिलियन का ऊपर सब्सक्राइबर हो गया है। मैं भी उसको फॉलो करता हूँ। तो ये वीडियो कोई काइजर भाई ने उसको सुपर चैट नहीं किए थे। तो ये वीडियो में क्या है कि भाई साहब गेम खेल रहे थे एक, तो गेम खेलने मेरे को इतना हंसी आ रही है दोस्तों। वो गेम खेलने के टाइम पर क्या हुआ, नेटवर्क का थोड़ा इशू आ गई। तो भाई साहब को क्या होता है ना, देखा होगा आपने, तो पबजी और वो जो फ्री फायर का गेम होता है, तो भाई साहब फ्री फायर खेलते हैं। वो क्या होता है ना, आप जब गेम स्टार्ट करते हो तो आपको आसमान से नीचे उतरने के लिए एक प्लेन से दिखाया जाता है। तो भाई साहब क्या कर रहे थे, ऐसे ही गेम स्टार्ट किया, तो ऐसे ही लैंड करने के लिए जा रहे थे, नेटवर्क इतना इशू आया, भाई साहब को लैंड ही कराने नहीं दिया गेम वाले ने। तो भाई साहब को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, तो उनके मुंह से क्या वार्ड निकल रहे हैं, तो गेम को तो देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं। क्या लौट है भाई, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा हूं मैं? हेलो, आवाज आ रही है? अब तक मेरे को लैंड नहीं करा रहा है यार। भाई तो 200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। अरे वो It was at this moment that he knew. यार मैं रो दूंगा भाई। यार भाई 500 ज्यादा ले ले, लेकिन मुझे लैंड करा दे आज। हद तो बहन का। कंट्रोल भाई, इनका कंट्रोल भाई। यार भाई लैंड
इनका अनफॉलो क्यों मारते हो मेरे को बताओ। अनफॉलो मारने से क्या मतलब, क्या रिलेशन हो गया भाई अनफॉलो हो रही। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो दोस्तों आपने देखा भाई साहब की रिएक्शन कैसा है गेम के नेटवर्क के ऊपर। तो नेटवर्क इतना इशू आया, भाई को इतना गुस्सा आया, क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे। मेरा मतलब है दोस्तों कुछ गलत नहीं है, जो भाई ने क्या है ना गेम खेलने के टाइम पे पूरा गेम के अंदर ही घुस के खेलते हैं। मतलब क्या है, वो समझते हैं मैं गेम के अंदर ही खेल रहा हूँ, इसलिए वो ऑडियंस क्या सोचेगी वो उनको समझ में नहीं आती है, इसलिए मुँह से निकल जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों भाई साहब जो है बहुत अच्छे हैं दिल के, नेपाल से हैं, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप यूट्यूब पर जाके देख लेना उनको वीडियो। उनका भी 5 मिलियन होले माना है जल्दी दोस्तों, उनको भी 5 मिलियन करा दो। अब चलते हैं दोस्तों हमारा तीसरी नंबर पर वीडियो। तीसरी नंबर का जो वीडियो है ये भी एक जाने माना है गेमिंग यूट्यूबर है, जो यूट्यूब पे गेमिंग वीडियो डालते हैं। ये भाई साहब क्या करते हैं ना, पबजी खेलते हैं, तो उसको पबजी उसको लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, उसका वीडियो चैनल पर सिर्फ पबजी के ही डालते हैं। बहुत जाना सुना भाई साहब है जिनको इंडिया में 90% से ऊपर लोग जानते तो होंगे, ये पबजी खेल के इतना फेमस हुआ है। उनका एक फेमस डायलॉग है वो भी आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंट देके तो आपको पता भी चल जाएगा। उनका एक फेमस वर्ड है जो आप गेम खेलने के टाइम पे वो हमेशा बोलती हैं, वो होता है मतलब समझ लो किसी को शूट कर रहे हैं तो हेड में लग गया तो बोलते हैं पट्टा सा हेडशॉट, ये उनका फेमस डायलॉग है। तो दोस्तों आपने पहचान लिया होगा किसका बारे में बोल रहा हूँ। उनको भी क्या कर रहे थे ना काइजर भाई ने एक सुपर चैट कर रहे थे गेम लाइव स्ट्रीमिंग के करते के टाइम, वो उनको एक सुपर चैट किया, तो भाई साहब का रिएक्शन क्या होता है सुपर चैट को पढ़ने के बाद आप खुद ही देख लीजिए उनका वीडियो। In case you are single, I wanna date you. Will you be my boyfriend? डायनेमो शोक में ये कहाँ से आई? पायल यार वैसे ऐसा कुछ सोचे नहीं है अभी, सोचेंगे थोड़ा इस पे है ना? सोचेंगे, कब तक सोचेंगे पता नहीं, पर सोचेंगे भाई। ये बंदा कितना ही फेमस हो जाए रहेगा तो बंदा ही। प्यार की राह में चलना, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। मतलब भाई साहब समझ रहे हैं कि कोई लड़की आया है स्ट्रीम में और वो सुपर चैट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ये काइजर भाई ने नाम चेंज करके उसको सुपर चैट कर रहे हैं। तो पहले तो भाई साहब सुन के साइलेंट हो गए, रुक गए एक मिनट के लिए। भाई बोलते हैं अभी सोचता नहीं है, सोचेंगे फिर बताएंगे। मतलब आप समझ चुके हैं भाई साहब क्या बोलना चाह रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, उसका सेकंड एक वीडियो में देखा हूँ, उसमें भाई साहब बोल रहे हैं, क्या आप देख लीजिए। सोचा आपने, सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, और बुलाती है जाने का नहीं वाला डायलॉग मेरे लिए था यार। देखो बुलाती है मगर जाने का नहीं, आप समझ रहे मेरी बात? अरे मुंह पे भाई, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यार कोई लड़की बोलो किस लड़की ने किया तो उसके मुंह पे होता ही है कि हाँ डायनेमो भाई टकलाई। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम कर इस रोड की। भाई ने बोला बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसका मतलब है भाई ने पूरा लड़की की मुंह पे मार दिया। मतलब भाई का बहुत एटीट्यूड है मेरे को लग रहा है। तो जो भी हो, भाई ने पहले लड़की को खुश करने के लिए बताया, फिर लड़की के मतलब काइजर भाई को, तो फिर लड़की को बोला बुलाती है मगर जाने का मतलब उनके तरफ से ना है। जो भी हो वीडियो मेरे को तो अच्छा लगा, फेमस पबजी प्लेयर है। चौथे नंबर पे ये भी पापा की परी है, मतलब एक लड़की है जो गेमिंग स्ट्रीमिंग सब करते हैं, फ्री फायर खेलता है शायद।
तो उनको भी काइजर भाई ने सुपर चैट किया था, तो सुपर चैट में क्या लिखा था आप खुद ही देख लीजिए उनका रिएक्शन क्या होता है पढ़ने के बाद सुपर चैट को। नहीं पता आई लव का भाई क्या मतलब होता है इसका, पहले चैट मेरे को मतलब बता दो, मैं कुछ गलत चीज नहीं पढ़ना चाहती। ओके बोलो यार, भरोसे का जमाना ही नहीं है, मैंने आज तक कुछ गलत किया है? आई लव का इजर, आई लव का इजर, आई लव का इजर, तुम्हें आइडिया लग रहा है? लग रहा है आइडिया? नहीं लग रहा का इजर, आई लव का इजर, आई लव का इजर, आई लव का इजर। टोपा होगा एकदम। सेक्स आर नॉर्मल टंग ट्विस्टर, आई प्रॉमिस कोई गलत मतलब नहीं है। यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट मी। सेक्स हो गया दोबारा प्लीज। चला आई लव का इजर, आई लव का इजर, आई लव का इजर। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, शी गॉट इट। ओह मैन, ओह माय साहब कट गया मेरा। लेकिन लड़कियों का तो होता ही नहीं है। दोस्तों आपने देख लिया होगा मैडम जी ने क्या बोला, कट गया मतलब का, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, काइजर भाई को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप सबको भी समझ में आ गया होगा कट गया मतलब क्या है। जो भी बोला रिएक्शन अच्छा था मैडम जी का। तो चलिए दोस्तों हमारा पाँचवें नंबर पर जो वीडियो आती है वो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं पाँचवें नंबर का वीडियो। डर्टी माइंड टेस्ट है ताकि तुम आज 400 रुपए सुपर चैट। प्यारी समझ गई। स्माइल स्माइल देख रहे थे नाटी और भारी सीन। I don't know. फिर इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। आंसर सोच सोच के हंसी आ रही है बट। तो दोस्तों मैडम जी ने क्वेश्चन देख के ही पढ़ना बंद कर दिया, मतलब क्वेश्चन था ऐसा कौन सा चीज है जिसको लड़की के थोड़ा डालने पर दर्द होता है, पूरा डालने पर मजा आता है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको भी गलत लग रहा होगा, लेकिन मैडम जी ने क्या सोचा, क्वेश्चन पढ़ के ही मुस्कुराने लग गई। तो इसका मीनिंग गलत नहीं है, सही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। तो मैडम जी का रिएक्शन देख के आप भी समझ ही गए होंगे मैडम जी क्या सोच रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारे पाँचवें नंबर का वीडियो। दोस्तों ये था आज का वीडियो, रखता हूँ, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।